वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर जिला बारामूला में हुनरमंद लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हुनरमंदी दिखाने वाले लोग अपने वालदीन के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। जालोर हजनगीर से ताल्लुक रखने वाली 12 साल फलक फयाज ने यूथ नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने वालदीन के साथ साथ स्कूल और इलाके का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप का इनेकाद अमृतसर पंजाब में यूथ एंड सपोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। 12 साल फलक फयाज ने इससे पहले भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जिसका इनेकाद सिकाया कराटे एसोसिएशन ने गोवा में किया था। वहां से भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। केएनएस से फलक फयाज ने बात करते हुए कहा कि मेरे वालदीन को मुझ पर फख्र है और मैं आइंदा वक्त में भी चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगी और अपने वालदीन का नाम रोशन करूंगी। मजीद आप देखिए जालूरा जंगीर से केएनएस की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम फलक फयाज है और मैं जालूरा में रहती हूँ और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने अमृतसर पंजाब चैंपियनशिप खेली YSPA यूथ सपोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप और ये ऑर्गेनाइज की थी यूथ एंड सपोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। तो इससे पहले भी मैंने चैंपियनशिप खेली थी गोवा मापूसा में SKI सिकाय इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता। और मुझे इसके पीछे जो सपोर्ट रहा वो मुझे अपने पेरेंट्स का रहा। एक साल से खेल रही हूँ और मैं नवंबर में गोवा गई थी और उसमें मैंने गोल्ड लाया। उससे मुझे बहुत शौक बढ़ गया कि मैं और जाऊँ और फिर मैं जो ये साल चल रहा है इसमें मैं अमृतसर पंजाब गई और उसमें भी मैंने गोल्ड लाया। हाँ फलक, किसका सपोर्ट रहा आपके पीछे? मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और अपने कोच का मुश्तफा हुसैन लोन का। मेरी सब बच्चों के लिए यही मैसेज है कि वो सपोर्ट्स में आए, ड्रग्स वगैरह को छोड़कर सपोर्ट्स में आए। मैंने जो दो गोल्ड मेडल जीते हैं मेरे पेरेंट्स को उस पर बहुत फख्र हुआ कि हमारी बेटी ने जीत कर दिखाया। इंशाल्लाह मैं आगे भी जाऊंगी और मैं गोल्ड ही हासिल करूंगी और अपने मामा पापा का जो नाम है वो रोशन करके दिखाऊंगा। Thank you.